हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 22 है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लैंथनॉइड्स का कौन कौन सा एलिमेंट है, उनका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया। आज बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथनॉइड। से पहला उसका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इसी में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अबाउट लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और आपको बताएंगे कि लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका कॉजेस क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कॉज एंड कंसीक्वेंसेस, कि लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का परिणाम नतीजा क्या होता है, जिसके कारण क्या चेंजेस आता है, ये आपको बताएंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो हम बात किए थे कि जब लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई घटता है, इस घटना को लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से यहाँ जानते हैं। तो लिखते हैं हम लोग कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द लैंथनॉइड सीरीज, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द लैंथनॉइड सीरीज, द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई गो ऑन डिक्रीजिंग, घटते जा रहा है। ठीक, दिस स्टडी डिक्रीजिंग एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बच्चा क्या बोले हम लोग कि जब हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द किधर लैंथनॉइड सीरीज, लैंथनॉइड सीरीज कहने का मतलब कि लैंथनम 57 दैट इज सीरियम 58 से लेके लुटेशियम के तरफ, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं जो इस लैंथनम से लुटेशियम क्या की ओर जाने से जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई घट रहा है, इस घटना को हम लोग जानते हैं लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से। ठीक, अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या है, कॉज ऑफ लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम क्या बताया आपको कि लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, अब क्या बताने जा रहे हैं कि लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है, किस कारण से लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि इन लैंथनॉइड्स द 4F सबसेट इज फिल्ड ग्रेजुअली। लैंथनॉइड हम लोग जानते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, F सबसेल में, तो यही लिख रहे हैं कि लैंथनॉइड में हम देखते हैं कि F सबसेल जो है वो धीरे धीरे भरा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि F ऑर्बिटल जो होता है वो काफ़ी लार्ज डिफ्यूज और ज़्यादा स्पेस का होता है, जिस कारण F इलेक्ट्रॉन का सेलिंग इफेक्ट पुअर होता है, मीन्स F सबसेल का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सबसेल उसी सबसेल का दूसरे इलेक्ट्रॉन को बहुत कम सेलिंग इफेक्ट वहाँ पर पुअर कि बहुत पुअर सेलिंग इफेक्ट होता है, मीन्स म्यूचुअल सेलिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, जिस कारण से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जिससे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई घट जाता है। तो देखिए इन लैंथनॉइड्स द 4F सबसेल इज फिल्ड ग्रेजुअली, देखेंगे कि द 4F ऑर्बिटल्स आर लार्ज एंड डिफ्यूज्ड मच इन द स्पेस, therefore जिसके कारण therefore F
इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात किए थे कि द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। जैसे बताए थे कि मान लीजिए न्यूक्लियस है, बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है बाहर सेल में, और क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस का काम है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, लेकिन जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको पुल करेगा। तो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से बचाया, मीन्स न्यूक्लियस को शील्ड कर दिया आउटर इलेक्ट्रॉन से। तो इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, राइट। तो हम बोले कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 6s है, फिर 5d है, 4f है। तो सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, सबसे ज्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी का, और सबसे कम एफ का, इधर जाने से शील्डिंग इफेक्ट घट जाता है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। सबसे खराब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें भी एफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो बाहर कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बचा नहीं पाता, उसको अट्रैक्ट कर सकता है, जिस कारण एटॉमिक एनर्जी रेडियाई क्या कर जाता है, घट जाता है। तो लिखे कि लैंथेनॉइड्स द 4f सब्सटेंस फिल्ड ग्रेजुअली, द 4f ऑर्बिटल्स आर लार्ज एंड डिफ्यूज्ड मच इन द स्पेस, काफी ज्यादा स्पेस होता है, देयरफॉर एफ इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। लिखेंगे कि द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन 4f सबसेल बाय अनदर इलेक्ट्रॉन इन द सेम सबसेल, इन द सेम सबसेल मतलब कह रहे हैं कि दैट इज म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, दैट इज म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स ईच वेरी लिटिल। दिस इज इवन स्मॉलर देन d इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोले देख लीजिए, बोल रहे ना कि लैंथेनॉइड में 4f सबसे धीरे धीरे भर रहे हैं, जिसके कारण f ऑर्बिटल जो होता है वो काफी लार्ज होता है और डिक्रीज होता है, जिस कारण f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। मतलब कि जो 4f का एक इलेक्ट्रॉन का शील्ड जो है वो अदर इलेक्ट्रॉन जो है सेम सबसे का उसका शील्डिंग इफेक्ट, मतलब म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट जो होता है जो 4f इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है, जिसके मतलब इतना कम होता है कि ये d इलेक्ट्रॉन से ही इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है s इलेक्ट्रॉन का, फिर p इलेक्ट्रॉन का, फिर d का, और सबसे खराब सबसे गंदा वाला शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है f इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो लिखेंगे हम लोग यहां पे, लिखेंगे इसमें लिखेंगे हम लोग कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द लैंथेनॉइड सीरीज, जब हम क्या करते हैं मूव करते फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इधर अलोंग द लैंथेनॉइड सीरीज, तो क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस जो है वो इंक्रीज कर दिया। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4f सबसेल इंक्रीज कर दिया। तीसरा, देयर इज नो कंपेरेबल इंक्रीज इन
स्लाइडिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, जिस कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर गया, इंक्रीजेस। तो लिखेंगे हम लोग कि जिसके कारण परिणाम स्वरूप लिखेंगे कि एज ए रिजल्ट आउटर, यानी कि एज ए रिजल्ट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द लैंथनोइड सीरीज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस इंक्रीजिंग अट्रैक्शन towards the growing न्यूक्लियस एंड कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई गो ऑन डिक्रीजिंग, जिसके कारण जो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई वो क्या कर गया, घट गया। फिर से सुन लीजिए क्या क्या कारण है। बोले कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ेगा, जिसके कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4f सेक्शन में बढ़ेगा, जिसके कारण जो है सेंडिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिस कारण जो 6s के इलेक्ट्रॉन को 4f का जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के प्रति, और एटॉमिक एनायनिक रेडियाई क्या कर जाएगा, घट जाएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लैंथनोइड कंट्रैक्शन, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय लैंथनोइड कंट्रैक्शन, राइट देयर कॉसेस एंड कंसीक्वेंसेस, उसके कारण लिखिए और उसका नतीजा बताइए और ये होता क्या है सो बताइए। तो मैंने 2 चीज बता दिया, क्या क्या बताया बच्चा, कि सबसे पहले लैंथनोइड कंट्रैक्शन क्या होता है, तो जब हम मूव करते हैं लैंथनोइड सीरीज के तरफ तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई घटता है, इस एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई घटने का जो घटना है, इवेंट है, फिनोमेना है, इस घटना को हम लोग लैंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। क्यों घटता है तो मैंने बताया कि जो एफ ऑर्बिटल होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, डिफ्यूज होता है, जिसके कारण उसका म्यूचुअल स्लाइडिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, इसके कारण जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई घट जाता है। ओके, अब हम बताने जा रहे हैं इसका कंसीक्वेंसेस। देखेंगे कंसीक्वेंसेस ऑफ लैंथनोइड कंट्रैक्शन, क्या कारण है, क्या नतीजा, क्या परिणाम है लैंथनोइड कंट्रैक्शन का, इस पर हम फोकस करेंगे। तो आपको कुछ ऐसा याद होगा कि दो ग्रुप बना लेते हैं ना, आपके समझाने के लिए आपको दो ग्रुप बना लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं ग्रुप 3 और एक तरफ ले लेते हैं ग्रुप 4 लिखते हैं, जगह हम इधर ग्रुप 3 और यहाँ क्या लिखते हैं बच्चा हम लोग ग्रुप 4, दो कॉलम बना लेते हैं, एक एलिमेंट्स का,
के उनके एटॉमिक रेडियन का, इधर भी एज यूजुअल एक एलिमेंट्स का एक एटॉमिक रेडियन का और एक आयनिक रेडियन का। कौन कौन एलिमेंट आपको याद होगा? स्कैंडियम, इटेरियम, लैंथनम, राइट। यहां पे इसका रेडियस था 1.44 एंगस्ट्रॉम, 1.62 एंगस्ट्रॉम, 1.69 एंगस्ट्रॉम, ठीक। इधर है आपका टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, इसका एटॉमिक रेडियस होता है 1.32, 1.45, 1.44 एंगस्ट्रॉम। इसको होता है रेडियस आयनिक रेडियस 0.61 एंगस्ट्रॉम, 0.72 एंगस्ट्रॉम और 0.71 एंगस्ट्रॉम। आप यहाँ पे कुछ नोटिस कर पाएंगे? क्या नोटिस करेंगे? देखिए यहाँ पे आपको रेगुलर इंक्रीज दिख रहा है, इंक्रीजेस 1.44, 1.62, 1.62 रेगुलर इंक्रीज से, क्यों? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल। यहाँ जब बात करें एटॉमिक नंबर 21, 39, 57, यहाँ पे 22, 40 एंड 72, तो यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस नहीं दिख रहा है 20, 22, 39, 40, लेकिन यहाँ आपको फिर से दिख रहा होगा कि सीरियम यानी 58 से लेके लुटेटियम 71। अभी हम बताए कि जब सीरियम से लुटेटियम की ओर जाते हैं, मतलब अलॉन्ग द लैंथनॉइड सीरीज, तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम है। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ा 0.61, 0.72 बढ़ गया, लेकिन ये 0.72, 0.71 करीब करीब सेम है। क्यों ऐसा हुआ? तो देखिए इस लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही ऐसा हुआ। अगर यहाँ लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, 57 के बाद सीरियम होता, तो आपका रेगुलर एटॉमिक एनर्जी का डीआई बढ़ता, लेकिन ड्यू टू लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो इसका पहला कंसीक्वेंस है कि द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, आपको बताया था कि चार ट्रांजिशन सीरीज होता है 3D, 4D, 5D, 6D, तो ये 3D फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड मीन सेकेंड और थर्ड वाले ट्रांजिशन सीरीज का ग्रुप 4 में जो है वो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई करीब करीब सेम होता है। तो लिखेंगे कि पहला कंसीक्वेंस कि द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इन ग्रुप 4 हैव ऑलमोस्ट करीब करीब प्राय ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। और जब इक्वल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई है जिरकोनियम और हाफनियम का, तो इसका प्रॉपर्टी भी करीब करीब क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब कि अगर जिरकोनियम और हाफनियम के मिक्सचर को अगर आपको दे दे, तो इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो दूसरा आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द मिक्सचर ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम कैन नॉट बी सेपरेटेड, या डिफिकल्टी आपको होगा इसको सेपरेट करने में। अब हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, पहला कंसीक्वेंसेस था। दूसरा कंसीक्वेंसेस है कि ऑन मूविंग, या पहले लिख दीजिए कि द बेसिक स्ट्रेंथ या द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स, क्या लिखे हम कि द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ लैंथनॉइड्स
decreases from left to right, telling the basic character of oxides of and hydroxides of electrolyte decreases on moving from left to right along the either lanthanide series due to decrease in ionic gradient. मैंने आपको बताया था कि अलॉन्ग द पीरियड जाने से एटॉमिक एनर्जी रेडिएट घट जाता है. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि Na2O3 ज्यादा बेसिक होगा देन दैट ऑफ Ce2O3 देन दैट ऑफ Pr2O3 लैंथेनम ऑक्साइड सेरियम ऑक्साइड प्रेसियोडाइमियम ऑक्साइड नियोडाइमियम Nd2O3 है ना. इसे डॉट 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 दे सकते हैं और सबसे कम होगा Yb2O3 और इससे भी कम होगा Lu2O3. इधर जाने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा कि द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स The basic strength of oxides, है ना, the basic character of oxides decrease कर जाएगा. As usual, hydroxide में NaOH का होल 3 ज्यादा बेसिक होगा CeOH का होल 3 ज्यादा बेसिक होगा PrOH का होल 3 से डॉट 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 देते जाएंगे फिर YbOH का होल 3 और सबसे यहाँ पे कम होगा बेसिक LuOH का होल 3. इधर जाने से बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीज कर जाएगा. ये था इसका कंसीक्वेंसेस. तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोग कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट देयर कॉजेस एंड कंसीक्वेंसेस. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका रेडियो एक्टिविटी की कौन कौन सा इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है और कुछ रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स देखेंगे कि जब वो एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, कार्बन से करेगा तो क्या होगा, कोई मेटल से करेगा तो क्या होगा, बेस से करेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन से करेगा तो क्या होगा. नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. थैंक यू.